बैक विद अनदर एक्साइटिंग सेशन ऑन स्ट्रिंग कल या लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स होती क्या हैं और कैरेक्टर एरे से कैसे डिफरेंट होती हैं आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग पे कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए और उन लाइब्रेरी फंक्शन को अगर हम अपने से इंप्लीमेंट करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि लेट से एक स्ट्रिंग फंक्शन है एस टी आर एलईन जो कि लेंथ इन स्ट्रिंग की आपको रिटर्न करके देता है आप एक काम करो इसका कोड खुद से लिखो कि अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे उसका सी लैंग्वेज में कोड लिख के बताओ तो ये सारी की सारी चीजें आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शन आपको पता होने चाहिए और उन लाइब्रेरी फंक्शंस को कैसे सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे उसका कोड भी मैं लिख के आपको बताऊंगा चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं मेरा नाम विश्वदीप है और मैंने गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स लिखा है कंप्यूटर साइंस में ये रही रैंक मेरे मास्टर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है क्योंकि मैं आपको सी एस इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड आपको करियर मेकिंग में हेल्प करता रहता हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक अनकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर देखिए क्योंकि वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लासेस लगती हैं आज हम एक सेशन लेने वाले हैं अनएकेडमी की फ्री स्पेशल क्लास पे 2:30 थर्टी पी एम पे जो हमारा सेशन लास्ट वीक होने वाला था वो नहीं हो पाया आज 2:30 थर्टी पी एम पे एक सेशन होने वाला है फ्री में इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे अच्छे-अच्छे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और आपको स्पेशल क्लासेस में ये क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड मिले एक साथ मिले कि सर सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाए सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को उसी दिन मिले जिस दिन हम कोई टॉपिक पढ़ें लाइक like अ अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग दें ऑर्गेनाइज लर्निंग दें आपको सब कुछ एक साथ ऐसे मिले कि आपको सिर्फ कंज्यूम 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 करना पड़े तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन एक ऐसे लेवल की होनी चाहिए जो कि आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी दे अंडरस्टैंडिंग भी दे बट इस लेवल की दे कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कॉन्फिडेंस आ जाए ये आपको मिलेगा प्लस आइकॉनिक के थ्रू। दोनों में आपको ये तीनों फैसिलिटीज मिलेंगी। मिलेंगी, टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस मिलेंगी, जो अभी तक हो चुकी मिलेंगे डिजिटल नोट्स मिलेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मिक्स्ड और सारे टेस्ट इंक्लूड होंगे इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो अनुटफॉर्म पे हैं और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलेगा इनमें क्या बेनिफिट्स है? हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं जिसमें प्रिंटेड नोट्स प्लस पीवाई बुक जी हां दोस्तों आपको पी की बुक भी मिलेगी जो कि प्रिंटेड वाली आपके घर भेजी जाएगी वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा स्ट्रेटेजी प्लानर एंड स्टडी प्लानर मिलेगा जो कि एक कोच के थ्रू होंगे ये कोच जो आपको वन ऑन वन बेसिस पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनवाएंगे ये आपके लिए पर्सनली काम करेंगे आपको वीकली मंथली बेसिस पे बताते रहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चलनी चाहिए और इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशन भी आपको मिलेंगे कोई भी सेशन आप सिलेक्ट करें किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करें चाहे प्लस हो या आइकॉनिक आप अलग अलग ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ये कोड लगाने पे आपको इनमें डिस्काउंट मिलेगा और दूसरे ऑफर मिलेंगे ऑफर ऑफर क्या है है मैं बता देता हूं हैज ब्रॉट अ रियली बिग अगेन जिसमें आपको फ्लैट का ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सो इफ यूल गो फॉर आइकॉनिक 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे थ्री मंथ और 24 पे फोर मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 25% का फ्लैट ऑफ मिलेगा विच तो जल्दी से आप लोग ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ दो क्लास लगी है तीसरी क्लास आज है चार से टाइमिंग होता है डेली टू डेली आप मेरे साथ पढ़ सकते हो दो क्लासेस अभी सिर्फ एलगोरिदम कोर्स की लगी है सुब्बाराव सर की इसके अलावा संचित सर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक 530 पीएम से 28 अप्रैल ट्वेंटी ऑफ अप्रैल से तो ये भी आप कवर कर सकते हो तो मल्टीपल कोर्सेस आपको अवेलेबल हैं सारे टॉप एजुकेटर्स के जल्दी से ये कोड लगाओ और सब्सक्रिप्शन लो इस कोड को लगाने का एक और फायदा है और वो है मेरा पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हो कि मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ाई करो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनली प्रिपरेशन को ओवरलुक करता रहूं और बताऊं आपको कि कैसे आपकी प्रिपरेशन होनी है ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए याद रखिएगा पीवाई बुक जो है वो उसमें इंक्लूडेड है पैंतीस साल के गेट पीवाई और इसके लिए आपको कुछ भी अलग पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नई बैचेस जो ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रही है आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी बैच का कोई भी कोर्स जो आप लेना चाहें जिस एजुकेटर की प्रोफाइल में लेना चाहें आप ले सकते हैं अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो क्लासरूम प्रोग्राम में भी सेवनटीन ऑफ अप्रैल से एक नई बैच स्टार्ट हुई है जिसमें आप सत्रह से बीस अप्रैल तक जिसमें आज आखिरी दिन है आप फ्री क्लासेस 5 पी एम ऑनवर्ड्स अटेंड कर सकते हैं एड्रेस यहां लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यह रहा एड्रेस इस नंबर पे कॉल करके आप बाकी की डिटेल्स क्लासरूम प्रोग्राम से रिलेटेड ले सकते हैं चलिए बात करते हैं आज सेशन के बारे में आज क्या आने वाला है आज आने वाला है स्ट्रिंग का स्ट्रिंग का क्या स्ट्रिंग का व्हाट स्पेशल फंक्शंस जो हमने देखने हैं लाइब्रेरी फंक्शंस स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे बना सकते हो या तो कैरेक्टर एरे नाम से बना सकते हो या पॉइंटर के थ्रू स्ट्रिंग एक्सेस कर सकते हो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था है ना याद है आप लोगों को कि स्ट्रिंग बनाने के लिए आप या तो ऐसा कर लीजिए कैरेक्टर एरे ए यहां पे आप साइज देना चाहें नहीं देना चाहें जैसा आपको ठीक लगे और यहां पे आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग का नाम जो भी स्ट्रिंग का आप कैरेक्टर्स देना चाहते हैं या फिर एक तरीका यह था कि आप कैरेक्टर पॉइंटर बनाओ है ना इस तरीके से और फिर इधर स्ट्रिंग लिखो दो तरीके थे दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से है ना बहुत अच्छे से दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूरा पूरा डिटेल में देख चुका था यस नो जल्दी से बताओ आगे बढ़ते हैं फिर लाइब्रेरी फंक्शन ऑन स्ट्रिंग देखिए लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब क्या है होता क्या है ना जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और ज्यादा लेटेस्ट लैंग्वेज की तरफ जाते हैं जैसे कि जावा हुआ या पाइथन हुआ तो आपको हर चीज का लिखा लिखाया कोड यूज करने की फैसिलिटी मिल जाती है हर चीज का सॉर्टिंग करनी है सॉर्ट का कोड मिल जाएगा आपको है ना स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है उसका कोड मिल जाएगा स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में अटैच करना है कॉन्टिनेट करना है उसका कोड मिल जाएगा आपको बहुत सारी चीजों के कोड ऑटोमेटिकली लिखे हुए मिल जाएंगे उन्हें बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि आपको लैंग्वेज के साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं अब उन लाइब्रेरी फंक्शन को आप खाली यूज करो नाम लिखो फंक्शन का पैरामीटर पास करो आपका काम हो जाएगा आपको खुद से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा सारी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उनमें इंक्लूडेड होता है और जो पुरानी लैंग्वेज है लाइक सी प्रोग्रामिंग उसमें कम लाइब्रेरी फंक्शंस हैं बहुत कम है आप चाहें तो अपने लाइब्रेरी फंक्शंस इंक्लूड करके भी डाल सकते हैं तो सबसे अच्छी बात ये लाइब्रेरी फंक्शन की ये है कि एज ए यूजर मुझे हर चीज का कोड लिखने की जरूरत नहीं है मुझे बस एक फंक्शन कॉल करना है और मेरा काम हो जाएगा तो ये लाइब्रेरी फंक्शन क्या क्या है ये चार फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे स्ट्रिंग में एस टी आर एलियन एस टी आर सी ए टी एस टी आर सी एम पी और एस टी आर सी पी वाई ये चार चार मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास है और ये चारों के चारों फंक्शन जो हैं वो इंक्लूड होते हैं एक स्पेशल हेडर फाइल में इंक्लूडेड इन अ हेडर फाइल और वो हेडर फाइल क्या है जी वो है एस टी आर आई एन जी डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच ये स्ट्रिंग डॉट एच जो फाइल है स्ट्रिंग डॉट एच फाइल में ये चारों इंक्लूड रहते हैं जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था आप एस टी डी आईओ डॉट एच इंक्लूड करते हो क्योंकि उसमें प्रिंट और स्कैन एफ फंक्शन के क्या लिखे हुए हैं उनके क्या लिखे हुए हैं

कंपेयर देखेंगे कॉपी भी देखेंगे चलिए तो सबसे पहले एस टी आर एलियन ये फंक्शन में हम पास करते हैं स्ट्रिंग अंदर तो ये फंक्शन जो है हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग स्ट्रिंग की length की लेंथ उस string में कितने कैरेक्टर्स हैं क्या करेगा रिटर्न ये कितने कैरेक्टर्स हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या उस स्ट्रिंग की लेंथ यह रिटर्न कर देगा रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अच्छा रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर रिटर्न करेगा तो आप खुद मुझे बताओ कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा क्या ये कैरेक्टर होगा, होगा या फ्लोट होगा या इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा क्या होगा इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए सर नंबर एक नंबर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स इंटीजर होना चाहिए बॉस तो हम ये रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यस रिटर्न टाइप जो इसका होगा वो क्या है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा रिटर्न टाइप इसका होगा इंटीजर आई एन टी ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं और एस टी एलियन को कैसे यूज करना है इसका कोड में आपको लिख के बता देता हूं बेसिकली फिर इसको हम सी प्रोग्राम से खुद इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो हमने इंक्लूड कराया एस टी डी डॉट एच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच फिर वाइड मेन या मेन फंक्शन स्टार्ट किया इस मेन फंक्शन में हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं चलिए ले लेते हैं हमने लिया कैरेक्टर एरे कैपिटल ए साइज हमने डिक्लेयर नहीं की और स्ट्रिंग में हमने डबल कोट में मेरा नाम लिख दिया वी आई एस एच वी ए डी पी चलो एक काम करते हैं मेरा नाम नहीं लिखता हूं ये लिख देता हूं वी डी अंडर स्कोर जीओ टीए चले ठीक है एक स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हमने ले ली अब मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग का हमें लेंथ पता चले है ना तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट एफ प्रिंट ही करवाता हूं डायरेक्टली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंटेज डी और बाहर मैंने लिखा एस टी आर एलियन ऑफ कैपिटल ए कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाली जो स्ट्रिंग मतलब इस बेस एड्रेस से स्टार्ट होने वाली जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का लेंथ निकालो रिटर्न करो वो यहां पे प्रिंट हो जाएगा तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कैरेक्टर लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू और परसेंटेज डी की जगह पे ये जो स्ट्रिंग ए हमने दी है इसका लेंथ प्रिंट हो जाएगा आप मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या दिखेगा इस प्रोग्राम का जो आउटपुट दिखेगा वो इस तरीके से होगा एलियन जी टी एच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू परसेंटेज डी की इसका लेंथ आ जाएगा आप देखो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं एक दो अंडरस्कोर स्कोर तीन जी फोर ओ फाइव टी सिक्स एच सेवन आई एट तो टोटल एट कैरेक्टर्स हैं ये एट प्रिंट हो जाएगा तो देखिए एक सिंपल सी बात है अगर आपने ये स्ट्रिंग बनाई तो एरे ए कुछ ऐसा दिखेगा पहला कैरेक्टर है वी सेकेंड कैरेक्टर है डी नेक्स्ट कैरेक्टर है अंडरस्कोर नेक्स्ट कैरेक्टर है जी ओ टी एच आई और सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा 0. तो ये जो एलियन फंक्शन है वो क्या करता है जहां पे पर जीरो आया उसके पहले पहले कितने कैरेक्टर्स हैं वो वो आपको रिटर्न करके दे देगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये इस तरीके से स्ट्रिंग है आ, आपको क्या करेगा ये पहला बैचले जीरो जहां भी आया, उसके पहले पहले कितने कैरेक्टर्स हैं उसको रिटर्न करके दे देगा नल नहीं आएगा ऑफकोर्स नल नहीं आएगा क्योंकि नल कैरेक्टर इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग के एंड को शो करता है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ये मेरी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है मेरी स्ट्रिंग है वीडी अंडर स्कोर तो इसमें आठ ही कैरेक्टर हैं ये आठ ही कैरेक्टर जो है मुझे काउंट होंगे नल कैरेक्टर का काउंट नहीं होगा इट इज जस्ट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग जैसे कि एक ट्रेन होती है एक ट्रेन में लेट से मैंने कहा कि आपके पास में एट कोचेस हैं और सबसे आखिरी में एक जो डब्बा होता है या कह सकते हैं गार्ड का डब्बा होता है तो ये गार्ड का डब्बा है जो ये शो करेगा कि भैया ट्रेन खत्म हो गई इसके पीछे बाद में ट्रेन नहीं है बट नंबर ऑफ कोचेस की अगर बात करो तो गार्ड वाला जो डब्बा इंक्लूड होता है ट्रेन के पीछे वो हमारी ट्रेन के कोचेस में इंक्लूड नहीं होगा इस तरीके से अच्छा एक चीज और एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं यहां पे वो ये है कि अगर आप एक काम करेंगे आप ना कोई भी कंपाइलर आप यूज तो करते ही हो कंपाइलर में प्रोग्राम लिख के चला के देखेंगे चला के देखेंगे और अपने लिए ये नॉलेज खुद से अपडेट करके अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और वो ये है कि अगर इफ मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं इफ 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 लेट से स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक दिस कैरेक्टर ए ज इक्वल टू इन द डबल कोट एच ई एल एल ओ बैक स्लेश जीरो डब्ल्यू ओ आर एल डी डबल कोट अगर ये स्ट्रिंग है तो बताइए एस टी आर मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं कैरेक्टर बी दे देता हूं एस टी आर एलईन जो है अगर बी पे कॉल करेंगे तो ये रिटर्न क्या करता है ये आपको खुद से चेक करने का है तो एक बार आप कोड एज इट इज लिखिएगा यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रिंग यहां लिखी है उसकी जगह ये वाली स्ट्रिंग लिखिएगा हेलो बैचलेश जीरो वर्ल्ड अब अगर आपने बैचलेश जीरो बीच में लगा दिया तो क्या ये बी जो स्ट्रिंग है उसमें हम आखिरी तक जाएंगे या नहीं जाएंगे ये एक बार चेक करके आप देख लीजिएगा ठीक है तो आपको बड़ा मजा आएगा चलो अब एस टी आर एलियन को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं खुद से अच्छा इंप्लीमेंट करने की कोशिश अगर करते हैं तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो स्ट्रिंग बना लेते हैं मैंने सेम टू सेम स्ट्रिंग लेनी है ये रही सेम टू सेम स्ट्रिंग लेनी है वी डी अंडर स्कोर जी ओ टी एच आई और बैचलेश जीरो ये रहा कैपिटल ए कैरेक्टर एरे जो कि स्ट्रिंग भी है स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि बैचले जीरो पे इंक्लूडेड है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट अब अगर हमें फंक्शन खुद से लिखना है तो बेसिक आइडिया ये है कि एक लूप चलाओ लूप में हम एक इंडेक्स लेंगे आई जो जीरो से स्टार्ट होगा कहां तक चलेगा हमें पता नहीं बट हां ये जरूर कह सकते हैं कि हम इंक्लूड करेंगे एस टी आर एलियन फंक्शन के कोड में या लेंथ निकालने के कोड में एक चीज कि हमारा ए ऑफ आई मतलब ये वाला कैरेक्टर जब तक नल नहीं हो जाता हम आई को इंक्रीज करते जाएंगे पहले ए ऑफ आई वी है आगे बढ़ो फिर ए ऑफ आई डी है आगे बढ़ो फिर अंडर स्कोर है फिर जी है फिर ओ है टी है एच a आई है जैसे ही बैचलेस जीरो मतलब नल कैरेक्टर हो जाता है रोक दो फिर देखो कि यहां तक जाने के पहले कितने ऐसे कैरेक्टर्स थे उनका काउंट प्लस प्लस कराते रहो तो आपको लेंथ मिल जाएगी ये एक बेसिक आइडिया है ये एक बेसिक आइडिया है लूप चलाओ लूप में कंडीशन लिखो कि जब तक कि एरे ए में नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो काउंट है कैरेक्टर्स का उन्हें प्लस प्लस करते जाएंगे इसके लिए बैक्श जीरो नहीं है काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फिर जैसे बैचलेस जीरो आ गया काम खत्म हम बाहर आ जाएंगे लूप के और हमें लेंथ मिल जाएगी चलिए तो एक काम करते हैं बेसिक सा कोड हमें यहां लिखना है वो लिख लेते हैं है ना आपको पता भी चल जाएगा आपसे लिखने भी आ जाएगा जब भी आप ट्राई करेंगे तब चलिए तो मैंने सबसे पहले तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच लिखा फिर मेन फंक्शन स्टार्ट किया इसमें एक कैरेक्टर एरे एम वाला लिया जिसमें हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं वी डी अंडर स्कोर जी ओ टी एच आई जिन्हें नहीं पता है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं अब हम इंटीजर एक तो आई वेरिएबल देंगे जो जीरो से निशलाइज हुआ है और एक और काउंट लेंगे या लेंथ ले लेंगे -E आप एन जी टी एच जीरो हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आप अगर फॉर लूप लिखना चाहते हो तो आई को जीरो से इनिशियलाइज मत करो डायरेक्टली बस आई लिख दो कॉमा लेंथ लिख दो आप फॉर लूप लिखना चाहो फॉर लूप लिख दो फॉर क्या आई की वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज कराओ फिर कब तक चलाना है लूप सर लूप तब तक चलाना है जब तक इस कैरेक्टर एरे ए में इंडेक्स आई पर बैचलेस जीरो नहीं आ जाता तब तक बैचलेस जीरो आ जाएगा लूप रुक जाएगा फिर आई प्लस प्लस कराते रहो हर बार लूप में ओके सर इस लूप में करना क्या है सर इस लूप में हमें सिर्फ एक ही काम करना है एलियन जी टी एच लेंथ प्लस प्लस करते जाना है सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो आई की वैल्यू इनिशियली जीरो ठीक है क्या ए ऑफ जीरो पे नल कैरेक्टर है नहीं है नहीं है तो अंदर आए लेंथ प्लस प्लस हो गई लेंथ जो हमारी है वो शुरुआत में जीरो थी वो जीरो से वन हो गई फिर आए आई प्लस प्लस हो गया आई की वैल्यू वन क्या ए ऑफ वन पे नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर है हाँ जी नल कैरेक्टर नहीं है तो हम नीचे आए लेंथ प्लस प्लस फिर कर दिया फिर आई प्लस प्लस करके ए ऑफ टू पे चेक करो ऑफ टू नल कैरेक्टर नहीं है नहीं है तो लेंथ प्लस प्लस थ्री ये आई की वैल्यू थ्री ए ऑफ थ्री पे नल कैरेक्टर नहीं है नहीं है तो अंदर आए लेंथ हो गया फोर ये हो गया फोर फिर नल कैरेक्टर चेक करो नहीं है ए ऑफ फोर पे भी तो ये हो गया फाइव ये भी हो गया फाइव इस तरीके से आगे बढ़ते 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 जब आई की वैल्यू एट हो जाएगी ये एट हो जाएगा ये एट हो जाएगा ऑफ एट पर नल कैरेक्टर नहीं है नहीं सर है तो हम बाहर आ जाएंगे और लेंथ जो वेरिएबल है उसमें लेंथ मिल जाएगी अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू परसेंटेज डी एल एन जी टी एच दैट्स इट ऐसा करने से क्या होगा प्रिंट हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू और जो भी लेंथ की वैल्यू है वो आ जाएगी एक बार चेक करो जरा कि कोड में कोई गड़बड़ तो नहीं है अगर है तो मुझे इन्फॉर्म करो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को आ गई है क्या जल्दी से बताओ अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फंक्शन एस टी आर सी कैट जो फंक्शन है स्ट्रिंग कैट ये कॉन्टिनेट करता है कॉन्केटिनेट करने का मतलब है कि ऑलरेडी एक स्ट्रिंग आपके पास है उसके पीछे दूसरी स्ट्रिंग को कनेक्ट कर देता है कनेक्ट करने का मतलब मैं बता देता हूं जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है आपके पास एक स्ट्रिंग है से uh, उसका नाम है वीडी है ना दूसरी स्ट्रिंग है आपके पास एक स्ट्रिंग ए है ये दूसरी स्ट्रिंग बी है जिसका स्ट्रिंग है Great. अगर आपने ए में बी को कॉन्केटिनेट किया मतलब बी है सोर्स जहां से हम रीड करेंगे ए है डेस्टिनेशन जहां पे हम कॉन्केटिनेट करेंगे तो इसका जो कॉन्केटिनेशन रिजल्ट है वो आएगा वी डी जी ओ टी एच आई और बाद में ग्रेट इंक्लूड हो जाएगा तो कॉन्केटिनेशन का मतलब है कि एक ऑलरेडी बनी, बनी हुई स्ट्रिंग है उसके पीछे आपको दूसरी स्ट्रिंग अटैच करनी है एज इट इज दूसरी स्ट्रिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी जो दूसरी स्ट्रिंग बी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी वो एज इट इज रहेगी ए जो है वो अब बड़ी स्ट्रिंग हो जाएगी दैट्स इट कॉपी करना है कंकैटिनेट करना है बी स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा बी स्ट्रिंग विल बी एज इट इज ए स्ट्रिंग जो है जो डेस्टिनेशन है जहां पे कंकैटिनेट करना है वो स्ट्रिंग अब हमारी बड़ी हो जाएगी सो so, यहां पे इस एसटीआर गोन एसटीआर सीएटी का जो डेफिनेशन है कि अपेंड्स अ कॉपी ऑफ सोर्स स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के एंड में कॉन्टिनेशन होता है याद रखिएगा एंड में ये वाली जो स्ट्रिंग है वो अपेंड हो जाएगी कॉपी करना है जी हाँ कॉपी ऑफ दिंग मतलब कि सोर्स स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी वो चेंज नहीं होगी इसका जो सिंपल सा सिंटेक्स है वो है एस टी आर सी ए टी जिस स्ट्रिंग पे डेस्टिनेशन मानना है कि जिसको हमें जिसमें हमें लेंथ बड़ी चाहिए कॉन्केटिनेट करने के बाद वो डेस्टिनेशन की स्ट्रिंग यहां और सोर्स की स्ट्रिंग यहां ये लेक्चर बेटा 9:15 फिफ्टीन एम स्टार्ट होता है चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे चला के बता देता हूं अब वो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं एक सिंपल सी चीज देखते हैं यह है कि कोड लिखते हैं इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है मेन फंक्शन में हमने दो स्ट्रिंग लेनी है मेन फंक्शन में हम दो स्ट्रिंग ले लेते हैं एक कैरेक्टर ए लिया इस कैरेक्टर ए में हमने एक स्ट्रिंग ले ली मान लेते हैं ये विश्वदी और एक कैरेक्टर बी ले लिया जिसमें हमने लिया जी ओ टी एच आई ठीक है अब हम क्या करेंगे ए कैरेक्टर स्ट्रिंग में या ए स्ट्रिंग में बी को हम कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करेंगे अगर हम ए में बी को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे एस टी आर सी ए टी ए कॉमा बी अब होगा क्या बी स्ट्रिंग जिसमें लिखा है गोठी एज इट इज रहेगी बस ये स्ट्रिंग एज इट इज कॉपी हो जाएगी इसके एंड में तो ये वाली स्ट्रिंग क्या बन जाएगी अब विश्वदीप गोठी ये चेंज होगी बिल्कुल चेंज होगी इसका मतलब है कि सर अगर हमने प्रिंट कराया स्ट्रिंग ए को प्रिंट से करते रहे? स्ट्रिंग को। कैसे करते हैं कैसे करते हैं बाबू बताओ रे ऐसा कैसे टॉपर बनेगा अगर नहीं पता है तेरे को तो परसेंटेज एस के थ्रू स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं कॉमा ए अगर ऐसा प्रिंट कराने की कोशिश करी तो क्या होगा एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी जी हां और ए स्ट्रिंग में हमें क्या मिल जाएगा इसका आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा वी आई एस एच वी इज़ स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी ए में क्योंकि अब ए स्ट्रिंग जो है बदल चुकी है बट एक बात मैं बताऊंगा जो आपको यहां समझनी होगी कि जब हमने कैरेक्टर एरे ए लिया तो हमें स्ट्रिंग जो मिली वो ये मिली आई एस एच वी ए डी डबल ई और पी और बैक्शले जीरो एट दी एंड जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और जब हमने सेकेंड स्ट्रिंग बी लिया तो उस बी स्ट्रिंग में क्या आएगा उस बीस स्ट्रिंग में क्या आएगा उस बीस स्ट्रिंग में आएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव g o t h i और बैकस्लैश जीरो। अब सुनिएगा जरा सुनिएगा जरा बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये वो ये है सर कि जब हमने अगर ये स्ट्रिंग बनाई यहां पे इस एरे की लेंथ नहीं दी तो इसमें जितने कैरेक्टर हैं उस हिसाब से लेंथ क्या बनेगी जरा मुझे एक बार बताओगे लेंथ क्या बनेगी जब हमने एरे को लेंथ नहीं दी है यहां पे और हम चाहते हैं कि इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली ले ली जाए बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग तो ये स्ट्रिंग में हमने टेन कैरेक्टर दिए और एक बैचले जीरो इंटरनली इस एरे साइज़ ग्यारह से डिक्लेयर हो जाएगी है ना अब इस ग्यारह साइज के एरे में आप और पांच कैरेक्टर एड करना चाहते हो बहुत ही इंसाफी है पॉसिबल नहीं होगा नहीं होगा तो एरर आ जाएगी ठीक है तो अगर आप ये कोड रन करने की कोशिश करोगे ये आपको सही रिजल्ट देगा नहीं क्योंकि सर आपने ऑलरेडी एरे ए का साइज फिक्स कर दिया ग्यारह साइज का अब इस ग्यारह साइज के एरे में आप और भी पांच कैरेक्टर छह कैरेक्टर ऐड कराओगे कहां से ऐड होंगे नॉट पॉसिबल तो आपको क्या करना पड़ेगा इस एरे की साइज को थोड़ा ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों का कॉन्केटिनेट करने के बाद ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी कैरेक्टर्स में काम हो जाएगा तो आप इसको एक्सप्लिसिटली साइज बढ़ा करके और बनाइए जिसमें आपको कॉन्केटिनेट करना है तो फिर एरर नहीं आएगी तो मैं यहां लिख देता हूं इफ साइज ऑफ एरे ए नॉट मेंशन Then STR CAT will throw error because size of A is limited. इसीलिए क्या करना हमें क्या करना है बड़ी साइज का एरे यहां पे लेना पड़ेगा है ना क्लियरली समझ में आई है फंक्शन अब हम चलेंगे इस कॉन्केटिनेट फंक्शन का खुद से कोड लिखने मैं बताऊंगा डोंट वरी आपका भी थोड़ा लॉजिक लगेगा मैं पूरा डिटेल में आपको लॉजिक बताऊंगा अच्छा कॉन्केटिनेशन करना है तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक तो यही वी आई एस एच वी ए डी डब्ल्यू पी दिखेगा ए में उसके बाद जो जीरो था वो हटा उसकी जगह पे आया जी फिर नेक्स्ट इलेवेंथ इंडेक्स पे आया ओ फिर ट्वेल्थ इंडेक्स पे आया टी थर्टींथ पे आया एच फोर्टीन पे आया आई और उसके बाद बैक्श्लेशीरो तो हमें यहां करना क्या है हमें यहाँ पे ये करना है कि जिस स्ट्रिंग के पीछे हमें कॉन्केटिनेट कौन, करना है उस स्ट्रिंग में हम सबसे आखिरी तक जाएंगे जहां पे हमें जीरो मिलता है उस जीरो से स्टार्ट करके ये वाला जो बी इंडेक्स है या बी पर्टिकुलर एरे है इसका पहला कैरेक्टर यहाँ दूसरा कैरेक्टर यहाँ नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट ऐसे कॉपी करते जाना है तो आप क्या करेंगे यहां से आप यहां से पहले तो एरे ए के अंत तक जाइए एरे ए के अंत तक कैसे जाना है ऐसा जा सकते हैं आप एक लूप चलाओ जब तक कि ए ऑफ़ आई नॉट इक्वल टू नल होता है चलते जाओ चलते जाओ आई प्लस प्लस करते जाओ आप आखिरी में पहुंच जाओगे तो एक काम करते हैं पहले इन एक एरे ए के अंत तक जाते हैं ठीक है तो हम कोड कुछ ऐसा लिखेंगे हैश इनक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच मेन फंक्शन सबसे पहले तो हमने एक एरे ए लिया जो कि स्ट्रिंग बनेगा ट्वेंटी साइज का जिसमें हमने स्ट्रिंग ली है विश्वदीप और दूसरा कैरेक्टर लिया एरे ये स्ट्रिंग बनेगा जिसमें आएगा G -O -T -H -I. आ गया अब हम क्या करेंगे हम कुछ इंटीजर वेरिएबल्स ले लेंगे आई और जे आई जो है कैरेक्टर एरे ए या स्ट्रिंग ए के लिए हम यूज करेंगे और जे बी के लिए यूज कर लेंगे ठीक है अभी हमने क्या करना है सबसे पहले तो कैरेक्टर ए के एंड में लेके जाना है अब कैरेक्टर एरेक ए के या स्ट्रिंग ए के एंड तक हमें आई इंडेक्स को लेके जाना है तो हम लिखेंगे यहां एक सिंपल सा लूप फॉर आई इक्वस टू जीरो आई नहीं नहीं आई नहीं ऑफ़ आई नॉट इक्वस टू नल कैरेक्टर जब तक कि ए ऑफ आई नल कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाए ये बैक्श्लेशीरो तब तक आप i को प्लस प्लस करते जाओ अब देखो दो तरीके हैं यहां तो या तो आप एम टी कर ब्रेस ऐसे लिख दो या अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दो दोनों चलेगा जैसा भी आप ठीक लिखें आपको ठीक लगे लिख देना दोनों का मीनिंग एक ही है कि इस लूप के अंदर बॉडी के अंदर कुछ नहीं है आई प्लस 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 होते 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 आई उस कैरेक्टर तक पहुंच जाएगा जहां पे ए ऑफ आई की वैल्यू नल के बराबर है इसका मतलब है कि आई की वैल्यू अब टेन हो चुकी है है ना ए ऑफ आई आई की वैल्यू जीरो नहीं है फिर आई प्लस प्लस होके वन हुआ ए ऑफ आई नल है नहीं है यहाँ 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 यहा, प्लस प्लस वैल्यू होते टेन होते, पे पहुंची जब यहाँ पे पता चला A of आई जो कि ए के अंदर लिखा हुआ है एरे का एलिमेंट वो नल है जी है वहां पर हमारा लूप रुक जाएगा आई की वैल्यू टेन पे पहुंच गई अब आई की वैल्यू टेन पे यहाँ पे पहुंच गई अब क्या करें हम एक और लूप लिखेंगे जिसमें कि जब तक बी एरे को पूरा ट्रेवर्स ना कर लें, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा क्यों अब इस स्ट्रिंग को हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक यहां पे कॉपी करना है तो हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम ट्रैवर्स करते जाएंगे पहले यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां और आखिर तक इसको कॉपी कराते जाएंगे तो हम क्या करेंगे हम फिर यहां पे एक और लूप लिखेंगे फॉर जे इक्वल्स टू जीरो जे इक्व टू जीरो ठीक है फिर हम यहां लिखेंगे जब तक कि बी ऑफ जे नल कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाए तब तक बढ़ते रहो क्या करना है जे प्लस प्लस करना है और साथ में आई प्लस प्लस भी करना है क्यों करना है सर आई प्लस प्लस मैं बताता हूं सबसे पहले आप देखो आई की वैल्यू है टेन जे की वैल्यू है जीरो हम चाहते हैं कि जीरो इंडेक्स पे जो बी में कैरेक्टर है वो टेंथ इंडेक्स पे आ जाए ए में तो हम यहां लिखेंगे इस लूप के अंदर ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे फिर जैसे ही ये लूप का एक इटरेशन खत्म हुआ तो हम चाहते हैं कि i इलेवन पे पहुंच जाए j वन पे पहुंच जाए अब j इंडेक्स पे b में जो कैरेक्टर o लिखा हुआ है वो इलेवेंथ इंडेक्स पे आपको a में कॉपी करना है a ऑफ i इक्वल टू बी ऑफ j हो जाएगा जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो इस लूप में क्या हमें एंड में क्या इस लूप के एंड में हमें नल कैरेक्टर मिलेगा नहीं जैसे ही नल कैरेक्टर पे आएंगे तो हमारा नल कैरेक्टर को डिटेक्ट करते ही ये लूप बंद हो जाएगा तो क्या नल कैरेक्टर कॉपी होगा नहीं होगा अगर नल कैरेक्टर कॉपी नहीं होगा तो हमें कराना पड़ेगा जी हां किसमें अब देखो यार बी वाला कैरेक्टर अरे तो चेंज हो नहीं रहा जो चेंज हो रहा है वो ए वाला है तो हमने क्या लिखा यहां पे जब हमारा ये लूप खत्म हो गया आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस होके आई उस इंडेक्स पे पहुंचेगा जहां पे अभी एम टी लोकेशन है वहां पे हम एफ आई की जगह पे एक्सप्लिस लिखेंगे बैक जीरो, ताकि ये एंड ऑफ स्ट्रिंग को हमें नोट करा दे ये हो गया लूप कॉपी हो गया हां जी अब आप चाहें तो आराम से प्रिंट करा सकते हैं इसके बाद परसेंटेज एस कैपिटल ए आपको बराबरी से ये कैपिटल ए में क्या मिल जाएगा कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग मिल जाएगी अब देखो मैंने जो यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसका सिर्फ लॉजिक लिखा है क्या लिखा है जी लॉजिक आप क्या कर सकते हैं आप अपना फंक्शन लिख सकते हैं इसी चीज को करने के लिए क्या कर सकते हैं जी फंक्शन लिख सकते हैं अलग से कि हमारा अपना स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का फंक्शन माय सी ए टी फंक्शन आपने लिखा इस माय सी ए टी फंक्शन में पहली चीज होगी कैरेक्टर एरे जो यहां से भेजोगे दूसरी चीज होगी कैरेक्टर एरे जो यहां से भेजोगे और यही वाला जो कोड है आप वहां से लिख के और रिटर्न कर सकते हो पहली वाली स्ट्रिंग आई होप आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं आप अपना फंक्शन लिख सकते हो अलग से ताकि आपका फंक्शन भी उसी तरीके से बिहेव करे जिस तरीके से ये कर रहा है ठीक है मैंने कोड का लॉजिक आपको बताया है इस लॉजिक को आप एक नए फंक्शन में भी लिख लोगे तो आपको क्या होगा जहां भी जहां भी वो फंक्शन काम काम आएगा वहां पे आप माई कैन कैट फंक्शन कॉल करके और काम करा सकते हो मैंने सिर्फ लॉजिक बताया है आप इस लॉजिक को एक अलग फंक्शन में भी लिख सकते हो ठीक है सर फॉर लूप से बाहर आने के बाद हमें आई की वैल्यू अपडेटेड मिलेगी यार ऑफ कोर्स मिलेगी जब आई और जे प्लस प्लस होते जाएंगे उसके बाद ही तो ये चेक होगा तो जब जे नल कैरेक्टर पे पहुंच गया तो आई भी तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे पहुंचेगा यार ये लूपिंग का कंसेप्ट जो है तुमको समझ में आना चाहिए बबुआ ये, ये देखो ये देखो आई की वैल्यू थी टेन जब हमने आई को रोका था है ना? नल कैरेक्टर पे आके आई रुक गया था और बी स्टार्ट हुआ जीरो से ठीक है बी जीरो से स्टार्ट हुआ नल कैरेक्टर नहीं है नहीं है तो टेंथ कैरेक्टर पे हमने जी रख दिया ये जो कैरेक्टर एरे था ए टेन इलेवन या नाइन से देखता हूं नाइन पे हमारे पास पी था, था। फिर टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन चल अभी टेन है ठीक है टेन पे हमने बी ऑफ जीरो मतलब जी कॉपी करा दिया फिर प्लस प्लस हुए दोनों इलेवन पे हमने ओ कॉपी करा दिया फिर ये ट्वेल्व हो गया ये टू हो गया फिर टू टी यहां कॉपी हो गया फिर ये थर्टीन ये थ्री यहां पे एच कॉपी हो गया फोर्टीन फोर फोर आई यहां कॉपी हो गया फोर्टीन पे ये आ गया फिफ्टीन ये फाइव फाइव क्या है नल कैरेक्टर जी हां नल कैरेक्टर की वजह से हम बाहर आ गए अब ये है फिफ्टीन पे ये फाइव पे हमने ए ऑफ फिफ्टीन पे नल कैरेक्टर डाल दिया ये देखो बी सी ए बुक पी डी एफ बेटा BCA के लिए पी डी एफ एस सच नहीं है सारे लेक्चर्स ही हैं आप बस लेक्चर्स देखते रहो तो देखो इसके आगे के जीरो से लेके एट तक वी आई एस एच वी ए डी डब्ल्यू पी था नाइन्थ पे पी और g o t h और आखिरी में हमने बैकस्लैश 0 यहां अलग से ऐड करा है ठीक है चल अब आगे बढ़ते हैं आगे समझते हैं नेक्स्ट है कंपेयर फंक्शन ये कंपेयर फंक्शन क्या करता है ये कंपेयर फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है कि वो बराबर हैं कि नहीं है दोनों स्ट्रिंग को बराबरी से कंपेयर करता है जब तक कि वो स्ट्रिंग बराबर है हर एक कैरेक्टर बराबर है आगे बढ़ते जाएगा जहां पे पहला पहला डिफरेंस आया कि दो कैरेक्टर बराबर नहीं है इक्वल नहीं है सेम टू सेम नहीं है तो बस वहां पे ये लूप रुक जाता है या ये कंपैरिजन रुक जाता है तो आपको पता है सी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो अगर आप वैल्यूज कंपेयर करना चाहते हो किसी भी कैरेक्टर अरे की या स्ट्रिंग की तो वैल्यूज में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग माना गया है याद रखिएगा वैल्यूज जो है वो अलग अलग मानी जाती हैं बिल्कुल तो अगर वैल्यूज अलग अलग मानी जाती हैं चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो तो उनको आप अलग अलग मानेंगे तो आप अगर एक जगह कैपिटल एक जगह स्मॉल सेम स्ट्रिंग कैरेक्टर्स देते हैं तो ये अलग अलग मानी जाएंगे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगा बट यहाँ पे दो स्ट्रिंग को लेक्सोग्राफिकली ये कंपेयर करता है ये पहली ये दूसरी इट रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट अनमैचिंग कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड स्ट्रिंग और एल्स जीरो इफ मैचिंग स्ट्रिंग यह क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के थ्रू ठीक है तो यह क्या है मैं बता देता हूं कंपेरिजन क्या करता है स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है वन बाय वन फर्स्ट कैरेक्टर दोनों में बराबर है तो ही आगे बढ़ेगा सेकंड कैरेक्टर चेक करेगा दोनों बराबर है हाँ जी तो फिर आगे बढ़ेगा थर्ड कैरेक्टर भी बराबर है तो आगे बढ़ेगा आगे, आगे इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा क्या मिलता जाएगा दोनों का डिफरेंस मिलता जाएगा अगर दोनों बराबर बराबर आखिरी तक मिले नल कैरेक्टर जाने के बाद भी दोनों बराबर मिले तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली मैच करती है अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो फिर क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस रिटर्न आएगा क्या आएगा दोनों का डिफरेंस रिटर्न आएगा कैसे मैं बताता हूं कैसे मैं बताता हूं देखिए हमने यहां पे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एग्जाम्पल नंबर वन अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया ए है ना जिसमें लिखा सिंपल सारे स्मॉल में है और दूसरा लिया जिसमें भी लिखा सिंपल और अगर मैंने प्रिंट कराने की कोशिश करी परसेंटेज डी एंड देर देयर कंपेरिजन एसपीआर सी एम पी ऑफ ए कॉमा बी दोनों के बीच का डिफरेंस लिया दोनों को कंपेयर कराया दोनों एग्जैक्टली exactly सेम है जस्ट एग्जैक्टली सेम है दोनों के दोनों अगर एग्जैक्टली exactly सेम है यस yes, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जीरो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जीरो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है तो जीरो आएगा तो यहां से रिटर्न क्या आएगा जीरो क्यों आएगा जीरो क्योंकि दोनों बराबर हैं एक्चुअली क्या करता है ये पहले कैरेक्टर्स को चेक करता है S -S, S का वैल्यू, S का वैल्यू- वैल्यू क्या आएगा ठीक है फर्स्ट टू से वैल्यू माइनस सेकेंड का तो आगे बढ़ते जाएंगे दोनों के आस की वैल्यू का चेंज आपको गया डिफरेंस आपको दिखता रहेगा आखिरी तक सब बराबर बराबर तो डिफरेंस आएगा जीरो इसलिए अगर मैचिंग स्ट्रिंग है दोनों कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा जीरो अच्छा एग्जाम्पल नंबर टू देखिए सर हमने यहां एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ली ए जिसमें लिखा सैंपल एस ए एम नहीं उल्टा लिखता हूं सिंपल एस आई एम पी एल ई और दूसरी कैरेक्टर स्ट्रिंग मैंने ली जिसमें लिखा सैंपल एस ए एम सब शॉर्ट में ही है पी एल ई और अगर अब मैंने प्रिंट कराने की कोशिश करी इनसे रिटर्न वैल्यू जो कि इंटीजर वैल्यू रहेगी और वो है एस टी आर सी एम पी की ए टू बी अब देखो ये एक्चुअली करता क्या है ये एक्चुअली करता क्या है पहला कैरेक्टर मैच किया एस और एस बराबर है हां जी, तो अभी तक तो कंपेरिजन जीरो फिर दूसरा कैरेक्टर यहां पर आई यहां पर आस की वैल्यू माइनस स्मॉल ए का आस की वैल्यू स्मॉल आई का आस की वैल्यू माइनस स्मॉल ए का आस की वैल्यू कितना हो जाएगा आस की वैल्यू ऑफ आई माइनस ए एस सी आई आई आस की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए बताइए क्या आएगा ये क्या आएगा देखो ए से आई का डिफरेंस कितना है ए से बी सी डी ई एफ जी एच आई डिफरेंस है एट का कितना है एट का आस की वैल्यू ऑफ आई क्या होगा एक अगर नाइनटी सेवन है तो नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइनटी नाइन हंड्रेड हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू है ना तो बी सी डी ई एफ जी H I, 102. नहीं कैरेक्टर होता e, होता है तो 97 plus 8. 97 plus 8 होता है 105. तो तो पे 105 minus 97, ये आ जाएगा 8. क्या आ जाएगा एट हांजी हंड्रेड एंड फाइव एट बहुत अच्छी बात है तो यहां से जो रिटर्न होगा वो होगा एट दोनों के बीच का डिफरेंस एट यहां से रिटर्न हो जाए आई बात समझ में तो जहां भी पहला कैरेक्टर मैच हुआ वो कैरेक्टर जो है जहां डिफ, जहां पे पहला कैरेक्टर अगर मैच हो गया तो आगे बढ़ते जाएंगे जब तक मैच होते जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे जब मैच खत्म तो पहली स्ट्रिंग का जहां भी अनमैचिंग हो रही है वहां से पहली स्ट्रिंग का पहला जो अनमैचिंग कैरेक्टर है वो उसकी ASCII वैल्यू माइनस जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसकी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू इट रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अनमैचिंग कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड स्ट्रिंग पहली सेकंड पहली स्ट्रिंग का अनमैचिंग कैरेक्टर माइनस सेकेंड स्ट्रिंग का अनमैचिंग कैरेक्टर दोनों के वैल्यू का डिफरेंस ही रिटर्न कर देगा अगर मैच हो गया आखिरी तक बराबर सेम टू सेम तो फिर जीरो रिटर्न क्योंकि आखिरी तक आपके पास डिफरेंस जीरो ही आएगा दोनों का आस की वैल्यू सेम टू सेम है तो डिफरेंस जीरो जीरो आएगा ऑल द टाइम इतना क्लियरली समझ में आया ये इतना क्लियरली समझ में आ गया तो फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल और देना है एग्जाम्पल नंबर थ्री मैंने दिया आपको हेलो बताओ क्या प्रिंट करके ये देगा बताओ मैं वेट करता हूं आपके आंसर का जल्दी से बताओ देखिए सबसे पहले डिफरेंस आएगा एच माइनस एच जीरो आया ई माइनस ई जीरो आया एल माइनस एल जीरो आया ओ माइनस ओ जीरो आया अब यहां पे आ जाएगा नल कैरेक्टर और यहां पे आएगा कैपिटल ए तो आखिरी में जाके इस पे आया नल कैरेक्टर तो ये एक्चुअली रिटर्न करेगा ए एस सी आई आई आसकी वैल्यू ऑफ नल माइनस आस की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए फर्स्ट टू सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट टू सेकेंड स्ट्रिंग आस की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर होता है जीरो माइनस आस की वैल्यू ऑफ ए होता है सिक्सटी फाइव ये माइनस सिक्सटी फाइव रिटर्न करके आपको देगा आंसर आएगा माइनस सिक्सटी फाइव समझ में आई डिफरेंस क्लियरली समझ में आया क्या अगर समझ में आया है तो इसका कोड लिखते हैं कोड बड़ा सिंपल सा है हम क्या करेंगे एक इंडेक्स लेंगे दोनों एरे में बी आई और ए आई ए आई की वैल्यू जीरो 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 मैच कराएंगे अगर मैच हो रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे नहीं मैच हो रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस रिटर्न करा देंगे सिंपल सी बात है बट ये हमको कंपेरिजन कब तक करना है जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता जब हमें नल मिल जाएगा तो हम रोक देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कोड किसी ने पूछा था सर फंक्शन से भी एक बार बता दो बेटा अगर मैं ही सब बता दूंगा तो तू कैसे सीखेगा तू भी तो कुछ करेगा ना कोशिश खुद से जब ट्राई करेगा दो तीन बार एरर भी आएगी गड़बड़ भी होगी कुछ कोशिश करेगा एक्सप्लोर करने की कि इसको कैसे पास करें इसको कैसे रिटर्न करें फिर वहां से तेरे को समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे किया जाता है ये काम लर्निंग बहुत अच्छी होगी एक बार करके तो देख बेटा चलिए सबसे पहले हमने कैरेक्टर एरे ए ले लिया जिसमें कोई एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं जो स्ट्रिंग हमें लेनी है लेट्स से हमने सिंपल ले लिया और दूसरा कैरेक्टर एरे बी ले लिया जिसमें हमने ले लिया सैंपल जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं आपकी मर्जी है जो दो स्ट्रिंग आप लेना चाहें ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और ट्राई कर सकते हैं अलग अलग फिर हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे आई और एक कंपैरिजन वेरिएबल लेंगे सीओ एम पी जिसकी इनिशियल वैल्यू है जीरो ठीक है अब हम लूप चलाएंगे फॉर लूप ये फॉर लूप कब तक चलेगा शुरुआत करेंगे हम आई इक्वस टू जीरो से कि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो अब ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक हमारा नल के बराबर नहीं है अगर दोनों में से दोनों नल के बराबर हो जाएंगे फिर हम स्टॉप करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैरेक्टर एरे ए में इंडेक्स आई पे हमारे पास नॉट इक्वल टू बैचलेस जीरो होना चाहिए या फिर कैरेक्टर बी में या सॉरी एरे बी में हमारे पास इंडेक्स आई पे इक्वल टू नहीं नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहां पे नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए या फिर बी ऑफ आई में नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर होना चाहिए दोनों में से एक में भी नल कैरेक्टर है तो हम आगे बढ़ेंगे क्यों देखो ऐसा है मैं यहां बताता हूं आपको अरे क्या हुआ भैया कहां पहुंच गए इधर आओ यहां पे बताता हूं जब ओ ओ पे पहुंचे थे नल नल नहीं थे हम लूप के अंदर गए बिल्कुल कंपैरिजन किया दोनों का कंपैरिजन आया एकदम बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट जब ये वाला नल पे पहुंच गया बट ये नल नहीं था तब तो मैंने नल माइनस एक का डिफरेंस लिया ना तो yes, सही तो लूप के अंदर आने के लिए दोनों में से कोई एक का मुझे नॉट नल होना जरूरी है अगर दोनों नल हो जाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे दोनों में से कोई एक भी नॉट नल है तो हमारा काम है बिल्कुल हमको अंदर जाना पड़ेगा लूप के और कंपैरिजन का डिफरेंस लेना पड़ेगा कैरेक्टर्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा अगर हम दोनों में से दोनों को अगर हम दोनों में से दोनों को नल आने पे या दोनों में से एक के नल आने पे बाहर निकल जाएंगे जैसे कि ये नल पे पहुंच गए हम यहाँ पे यहाँ पे बट कैपिटल ए है और हम बाहर निकल गए तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे लूप के अंदर ही नहीं जा पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे नहीं एंड नहीं लगाएंगे वही मैं कह रहा हूं कि अगर एंड लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी एंड लगाने से प्रॉब्लम क्या है पता है अगर एक भी नल पे पहुंच गया दूसरा नल पे नहीं पहुंच पाया तो दोनों का डिफरेंस आपको रिटर्न करना पड़ेगा ना दोनों का डिफरेंस रिटर्न करना पड़ेगा ना अंदर से रिटर्न होगा दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा जी हां तो हम क्या करेंगे हम ये चेक करेंगे कि अगर दोनों में से कोई भी एक नॉट नल है तो काम बनेगा बिल्कुल काम बनेगा बढ़ते रहो आगे अब हम अंदर क्या चेक करेंगे हम चेक करेंगे कि क्या एरेक्टर ए और बी स्ट्रिंग जो है उनमें इंडेक्स आई पर क्या इक्वल इक्वल कैरेक्टर है या डिफरेंस है तो हम चेक करेंगे कि ए ऑफ आई जो है अगर नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई है अगर ए ऑफ आई और बी ऑफ आई बराबर नहीं है इसका मतलब हमें पहला डिफरेंट कैरेक्टर मिल गया अनमैचिंग कैरेक्टर मिल गया तो पहला अगर डिफरेंट अन कैरेक्टर या अनमैचिंग कैरेक्टर मिल गया तो हम क्या करेंगे कंपैरिजन नाम के वेरिएबल में इनका डिफरेंस रिकॉर्ड करा लेंगे ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई और उसके बाद इस लूप को ब्रेक कर देंगे आगे नहीं बढ़ना भैया आगे नहीं बढ़ना अब क्यों हो गया काम खत्म हमारा अब हम कंपैरिजन को आगे नहीं लेके जाएंगे ये लूप खत्म तो अगर दोनों में से कोई एक भी नल पे पहुंच गया दूसरा नल पे नहीं पहुंच पाया तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक दो, दोनों स्ट्रिंग के उस इंडेक्स आई पर कैरेक्टर क्या है कैरेक्टर अगर इक्वल इक्वल है तो ये फॉल्स हो जाएगा हम सीओ एम पी के अंदर नहीं आएंगे अगर इक्वल नहीं है तो दोनों के डिफरेंस हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे सीओ एम पी में स्टोर कर लेंगे और ब्रेक करके इस लूप से बाहर आ जाएंगे उससे फायदा क्या होगा फायदा ये होगा कि हमारे पास सी ओ एम पी में डिफरेंस आ गया अब मान लेते हैं कि दोनों की दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं। दोनों स्ट्रिंग अगर बराबर हैं तो कभी भी ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हो पाएगी शुरुआत से लेकर आखिर तक हम दोनों जगह पे नल नल पे पहुंच जाएंगे बट ये वाली स्ट्रिंग ये वाली में ए ऑफ आई और बी ऑफ आई हमेशा इक्वल इक्वल रहेंगे तो कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी और हम अंदर आएंगे नहीं अंदर आएंगे नहीं तो कॉम की वैल्यू हमेशा जीरो ही रह जाएगी अगर जीरो रह जाएगी इसका मतलब ये है कि दोनों मैचिंग है स्ट्रिंग बस तो यहां पे हम क्या करेंगे इस फॉर लूप के बाहर आके और हम प्रिंट करा देंगे क्या वेरिएबल को प्रिंट एफ परसेंटेज डीओ एम पी काम खत्म सिंपल सी बात है आगे बढ़ते हैं एस टी आर सी पी वाई एस टी आर सी पी वाई क्या करता है आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में दूसरी कांस्टेंट स्ट्रिंग को कॉपी करता है दूसरी constant स्ट्रिंग, याद रखिएगा है, उसे कॉपी कराना है पहली स्ट्रिंग में ठीक है अगर ऐसा है तो पहली स्ट्रिंग के बाकी के सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं शुरुआत के वो सारे के सारे हट जाएंगे और दूसरी स्ट्रिंग एज इट इज पहली स्ट्रिंग में आ जाएगी है ना तो अगर हम इसका कोड लिखना चाहते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड करा लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए जिसमें लिखा है विश्वदीप ठीक है अब हमने यहां पे क्या करा एस टी आर सी पी वाई फंक्शन कॉल किया इसमें हमने क्या किया जो स्ट्रिंग ए है उसकी जगह पे हमने रिप्लेस कराना है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग टू जो है उसको स्ट्रिंग वन में कॉपी कराना है तो यहां पे मैंने कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग दे दी वी डी डबल ईपी वन जीरो और अब अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा परसेंटेज ए ए परसेंटेज एस ए तो अब ये क्या प्रिंट करेगा ये प्रिंट करेगा वी डी डबल ईपी वन जीरो विश्वदीप वाली स्ट्रिंग जो है वो हट के और ए में क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा तो कॉपी करता है जी सेकंड में जो आपने स्ट्रिंग दी है, उसको एज इट इज यहां पे कॉपी कर देता है कौन ये एस टी आर सी पी वाई याद रखिएगा सेकंड स्ट्रिंग जो है वो एक कांस्टेंट स्ट्रिंग होनी चाहिए अब इसको इसका कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे एक छोटा सा सिंपल सा कोड लिखेंगे कि दोनों स्ट्रिंग में ये वाली और ये वाली स्ट्रिंग में एक साथ क्या करते जाएंगे लूप चलाएंगे पहला कैरेक्टर इसका यहाँ डाल देंगे या, थर्ड या, फोर्थ या, फिफ्थ या, ऐसे एक एक करके कॉपी कराते जाएंगे जब तक कि ये वाली स्ट्रिंग यहाँ नल आ जाएगा तो वहां भी हम एंड में नल नल डाल देंगे क्यों ऐसा करेंगे क्योंकि देखो सेकेंड स्ट्रिंग में यहाँ पे कैरेक्टर कम है इसके कंपेरिजन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेवन कैरेक्टर है यहाँ टेन कैरेक्टर है से शुरुआत के सेवन कैरेक्टर दीप टेन से चेंज हो गए बाकी के कैरेक्टर यहां पे प्रिंट हुए क्या नहीं क्यों क्योंकि ये स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर भी इसके आखिरी में ऐड करना पड़ेगा तो अगर विश्वदीप में आप देखो जरा शुरुआत में क्या था वी आई एस एच वी ए डी ई पी और नल कैरेक्टर था तो अब क्या हो जाएगा पहला वाला V ये रिप्लेस हो गया ये D ये रिप्लेस ए, ये ए, ये ये E E P ये येसो और ये जीरो। इस तरीके से अपडेशन होगा ताकि जब आप प्रिंट करो कैपिटल ए को तो ये प्रिंट कैसे होगा deep टेन और फिर जीरो की वजह से स्ट्रिंग खत्म ठीक है चलिए तो इसका सेल्फ कोड भी देख लेते हैं जी देख लें, सिंपल सी बात है जी, क्या करना है एक एरे ए को और एरे बी को या जो भी हमारा सेकेंड स्ट्रिंग है दोनों में पहले पहले कैरेक्टर को एक्सेस करना है इसका पहला कैरेक्टर वहां जाकर कॉपी हो जाएगा दूसरा कैरेक्टर वहां जाकर कॉपी हो जाएगा बस लूप चलाना नथिंग एल्स एक काम करते हैं लिख के देख लेते हैं मेन फंक्शन हमने यहां पे सेकेंड वाली भी स्ट्रिंग ले लेनी है कैरेक्टर ए अब एक चीज का ध्यान रखिएगा वो ये है कि अगर पहली वाली जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी साइज फिक्स्ड मान ली आपने और सेकंड स्ट्रिंग बड़ी वाली अगर आप छोटी स्ट्रिंग में कॉपी करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी अगर उल्टा होता कि कैपिटल ए वाला जो स्ट्रिंग है उसमें होता 10। और यहां पे आप एस टी आर सी पी वाई करते ए में विश्वदीप इसमें ज्यादा कैरेक्टर थे जी हां ज्यादा कैरेक्टर ए वाले एरे में नहीं आ पाते अगर इसका साइज जो है विदीप टेन के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता तो याद रखिएगा जब भी आप कॉपी करें तो जिस भी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में आप कॉपी कर रहे हैं उसका साइज जो है बड़ा होना चाहिए वरना आप कॉपी करने वाली स्ट्रिंग को वहां तक कॉपी नहीं कर पाएंगे एरर आ जाएगी ठीक है चल तो कैरेक्टर ए हमने लिया विश्वदीप और दूसरी स्ट्रिंग भी हमें यहां बनानी होगी V D डबल E P V D टेन ठीक है अभी हमने यहां पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया आई जिससे हम लूप लिखेंगे लिखेंगे फॉर आई कोस टू जीरो अब ये हमें तब तक चलाना है जब तक कि हमारी सेकेंड स्ट्रिंग नल तक नहीं पहुंच जाए सेकेंड स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो जब तक सेकेंड स्ट्रिंग नल तक नहीं पहुंच जाए तब तक हम सेकेंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कॉपी कराते रहेंगे तो हम यहां लिखेंगे कि जब तक हमारा स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग नॉट इक्व टू नल पे पहुंच जाए तब तक आप बढ़ते रहेंगे और आई प्लस प्लस करते रहेंगे करना क्या है कुछ नहीं लूप में हम इंडेक्स आई पर a स्ट्रिंग में b स्ट्रिंग का इंडेक्स i कॉपी कर देंगे दैट्स इट जब ये पूरा कॉपी हो जाएगा i वहां पे रुकेगा एरे a के जहां पे अब पूरा स्ट्रिंग कॉपी हो चुका है और नेक्स्ट इंडेक्स है तो आखिरी में हम a ऑफ i में क्या करेंगे नल कैरेक्टर डालेंगे ऐसा क्यों सर क्योंकि एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमें बनानी है ना इसलिए तो b से हमने नल आने पे लूप रोक दिया है इसलिए हम क्या करेंगे यहां पे ऐसा करेंगे ठीक है अभी हमने ये कर लिया फिर अब हम प्रिंट करा सकते हैं किसको स्ट्रिंग को ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट कराओगे आपको कॉपीड स्ट्रिंग मिलेगी ठीक है कांट वी इंक्लूड आयो स्ट्रीम लाइक सी प्लस प्लस इन सी सी देखिए ऐसा है अगर कंपाइलर आपका आईओ स्ट्रीम समझेगा तो ठीक है अदरवाइज एरर आ जाएगी है ना आप ऐसा बोल रहे हो कि हम विराट कोहली को सीएस के टीम से खिलाने तो चलेगा क्या चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में अब यार विराट कोहली अगर आर सी बी टीम से खेलता है इन आई पी एल तो फिर वो सी एस के से नहीं खेल पाएगा कॉन्ट्रैक्ट होता है है ना यहाँ पे भी वैसे ही आईओ स्ट्रीम अगर सी प्लस प्लस का लाइब्रेरी यू नो फंक्शन इंक्लूड करवाएगा तो वो C++ के ही कंपाइलर में इंक्लूड रहेगा आई बात समझ में तो C++ और C में डिफरेंस है ना दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर कोई ऐसा कंपाइलर है जो C और C++ दोनों का कंपाइलर है कंबाइंड तो उसमें चलेगा नहीं तो नहीं चल पाएगा चलिए तो आज का सेशन हुआ खत्म नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे कल सुबह वो होगा हमारा दो चीजों पे और डिस्कशन बचा हुआ है सी प्रोग्रामिंग में एक तो है डबल पॉइंटर्स ट्रिपल पॉइंटर्स मल्टीपल पॉइंटर्स अगर होते हैं तो उन्हें कैसे एक्सेस किया जाए और दूसरा जो है हमारा वो होता है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन तो इन दोनों से रिलेटेड डिस्कशन हम अपकमिंग क्लासेस में करने वाले हैं तो वो भी आप बिल्कुल सुनिएगा और इसके अलावा फिर से मैं याद दिला दूं फ्लैट 25 का ऑफ अभी आपको मिल रहा है और एडिशनल आपको एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ऐड हो जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए कोड लगाएंगे दीप टेन जीरो कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिलेगा पच्चीस परसेंट का फ्लैट इसके अलावा एक्स्ट्रा मंथ का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता रहेगा अगर आप ये कोड लगाएंगे आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं याद रखिएगा कोड वी डी डबल ई पी वन जीरो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक और नया वैल्यू ऑफरिंग हमने इंक्लूड किया है वो है गेट पी वाई क्यू बुक्स अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना है प्रिंटेड नोट्स के साथ पीवाईक्यू बुक भी आपके घर पे भेजी जाएगी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है 28th ऑफ अप्रैल से डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करेंगे संचित जैन सर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है उस कोर्स को सीखने में अच्छा अभी-अभी मैंने भी ओएस स्टार्ट किया है जिसके सिर्फ दो क्लासेस लगी हैं बेसिक वाली तो आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और ऑपरेटिंग सिस्टम सीख सकते हैं मुझसे लाइव एक ऐसे तरीके से जैसे आपने कभी भी कोई कोर्स पढ़ा ही नहीं होगा एक क्लोज ग्रुप इन्वेरामेंट जहां पे डिस्कशन होता है हर एक छोटी से छोटी चीज का जहां से लर्निंग मिलती है उस हाई लेवल की जहां आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है अलग ही लेवल की मिलेगी एक बार जरूर देखना चाहिए आपको कि कैसे ये सब्सक्रिप्शन काम करता है अगर आप सब्सक्रिप्शन में ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो अल्ट्रा कॉम्बेट लिखिए जहां पे आपको तक के पूल में से मिलेगा, प्लस अलग अलग गैजेट्स लाइक आईफोन एटसेट्रा भी मिल जाएगा अगर आप लकी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी होगी बीस क्वेश्चन सिक्सटी मिनट्स एप्टीट्यूड और मैथ के आपको यह स्कॉलरशिप टेस्ट से अपू नाइनटी परसेंट तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा ट्वेंटी अप्रैल अप्रिल टू संडे को ये टेस्ट होने वाला है सुबह ग्यारह बजे इसको जरूर एनरोल कीजिएगा उम्मीद कराऊंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा आप और टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन इस चैनल के ताकि आपको आने वाले सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में तब तक अपना ख्याल रखेंगे हैप्पी लर्निंग